हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव सिंह और आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में लाइव साइट विजिट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक 200 गज का घर, जो कि आपकी जिसकी लोकेशन रहेगी बिल्कुल केंद्रीय विहार के सामने 60 फीट रोड के ऊपर, बिल्कुल आपका 200 गज का घर आ जाएगा। तो गाइज, अगर मैं घर की बात करूँ तो इसका जो हमने एलिवेशन चूज़ किया है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हमने टाइलिंग वर्क के साथ, आयरन के वर्क के साथ इसको प्रॉपर से एक अच्छा सा एलिवेशन देने की अपनी तरफ से कोशिश की गई है। और यहाँ पर अगर मैं गेट की बात करूँ तो ये भी प्रॉपर हमने आयरन का गेट यूज़ किया है, जिसमें कि हम फाइबर शीट्स लगा के दे रहे हैं, जो कि हमारा स्लाइडिंग डोर रहेगा। तो गाइस, अंदर एंटर करते ही सबसे जो हमारा मेन हर घर में इशू होता है वो होता है पार्किंग का। तो इस घर के अंदर आपको दो बड़ी गाड़ियों की पार्किंग आराम से मिल रही है और स्लाइडिंग डोर होने की वजह से गाड़ी को पार्क करना भी यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो फ्रंट पे विंडो भी दी है वो भी आपकी प्रॉपर टफन ग्लास के साथ एल शेप में विंडो आएगी। इस साइड अगर मैं बाहर के एलिवेशन की बात करूँ तो बाहर भी प्रॉपर सारा टाइलिंग का वर्क करवाया हुआ है। अगर आप ऊपर भी देख सकते हैं तो पूरा प्रॉपर हमने वॉल लाइट्स भी इसमें इंस्टॉल की हुई हैं। अगर मैं नीचे की बात करूं तो अंडर वाटर टैंक 2500 लीटर का हम आपको अंडर वाटर टैंक भी साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर स्टेयर्स को भी यूटिलाइज करने की ट्राई की थी अपनी तरफ से, जिसमें कि हम यहाँ पर आपको स्टेयर्स के नीचे भी एक स्टोरेज बना के दे रहे हैं। आपका सिलेंडर का प्रोविजन भी बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको स्टोरेज भी मिल जाएगी। इस साइड आप देखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी सी एक वेलकम वॉल बना के दे रहे हैं, जिसमें कि आपकी लाइटिंग्स ऑलरेडी सारी इंस्टॉल्ड है। और गाइस, ऊपर भी हम यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छे से डाउन सीलिंग का काम करवा के दे रहे हैं। अगर मैं फ्रंट डोर की बात करूँ तो इसमें भी आपको एक जाली वाला डोर भी मिल रहा है, प्लस आप देख सकें तो आपको एक अंदर भी आपको एक डोर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमारा इस साइड हमारा ड्राॅइंग एरिया आ जाएगा। अगर आप देखें तो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में वुडन का हमने बहुत अच्छा सा पार्टीशन दिया हुआ है। ड्राइंग एरिया में आपको पीछे वॉलपेपर प्लस वुडन के ब्लॉक्स लगा के एक बहुत अच्छा सा एक हमने एलिवेशन देने की ट्राई की है। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर भी आपको फॉल सीलिंग के साथ वुडन का टच दिया हुआ है, जिसमें कि आपकी कॉब लाइट्स आ जाएंगी, प्लस आपको लैम्प इंस्टॉल ऑलरेडी मिल रहा है। इस साइड आपका प्रॉपर डाइनिंग एरिया आ जाएगा। आप 10 टू 12 सीटर यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। बैक पे आपको प्रॉपर आपकी क्रॉकरीज वगैरह के लिए या आपके कुछ इंस्टॉलमेंट्स के लिए आपको जगह दे रखी है। इवन कि आपको आपके डाइनिंग एरिया में भी फॉल सीलिंग के साथ वुडन का टच दिया हुआ है। इस साइड आप अगर देखेंगे तो इस साइड हमारा किचन आ जाता है। किचन भी आपका प्रॉपर मॉड्यूलर किचन और काफ़ी स्पेशियस दिया हुआ है। आपको इतनी जगह यहाँ पर दी हुई है कि आपका डबल डोर फ्रिज आराम से यहाँ इंस्टॉल हो सकता है। इस साइड आपको पेंट्री के लिए अलग से सेक्शन बना के दिया हुआ है, जिसके साथ साथ आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ सारे आपके ड्रॉर्स रहेंगे। कवर्स भी हमने जो यूज़ किए हैं वो सारे आपके हाइड्रोलिक्स रहेंगे। साउंड प्रूफ सिंक के साथ आपको सेरा की मूवेबल फिटिंग्स भी दे रहे हैं। और इस साइड अगर आप देखें तो आपको वेंटिलेशन प्लस लाइटिंग और विजिबिलिटी के लिए विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं। किचन में भी अगर आप देखें तो हमने प्रॉपर वुडन टच के साथ फॉल सीलिंग का काम करवाया हुआ है। इस साइड आपको एक प्रॉपर वैनिटी बना के दी हुई है, सो दैट कि अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आपकी रूम की प्राइवेसी खराब ना हो। बैक पे आपको, अगर आप यहाँ स्टोर बनाना चाहते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं, पूजा रूम बनाना चाहें पूजा रूम बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे पहले रूम की तरफ। रूम के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमारे वुडन का जितना भी घर में काम हुआ है सारा हमने टीक वुड यूज किया हुआ है। इसमें आपको एलईडी पैनल के साथ साथ कबर्ड्स और साथ में वॉलपेपर विद पीवीसी आपको हम साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं रूम के साइज की बात करूँ तो 13x14 का ये कमरा रहेगा। अगर कमरे की आप बाकी लुक देखें तो ऊपर भी हमने डाउन सीलिंग का काम विद वुडन टच करवाया हुआ। इस साइड हमारा वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम में भी अगर आप देखें तो हमने बहुत नए डिजाइन्स की यहाँ पे टाइल्स यूज की हुई हैं। वॉशरूम में भी जितनी फिटिंग्स है हमारी सारी सेरा की फिटिंग्स रही।
के साथ अटैच हमारा पीछे वॉशिंग एरिया आ जाता है। वॉशिंग एरिया भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्पेशियस है, इसमें आपकी प्रॉपर लाइटिंग प्लस वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। ये दोस्तों हमारा रहेगा सेकंड बेडरूम, इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है दूसरे रूम के जैसे, बस इसमें थोड़ा सा हमने जो चेंज किया है वो है हमारा टाइलिंग वर्क। इसमें भी आपका वॉलपेपर विद पीवीसी का काम रहेगा, सेम कवर्स रहेंगे, सेम एलईडी पैनल रहेगा, और फॉल सीलिंग का काम में भी थोड़ा सा इसमें हमने डिफरेंस किया है, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया हुआ है। इसके साथ भी अगर आप पीछे देखेंगे तो आपका वॉशरूम आ जाएगा, इस वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस है। आपको प्रॉपर विंडो दी हुई है, इसमें आपके वेंटिलेशन के लिए भी आपको विंडो प्रोवाइड की हुई है। तो ये था गाइज हमारा ग्राउंड फ्लोर जिसपे कि 2 BHK सिचुएटेड था। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर। तो दोस्तों अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँ तो स्टेयर्स में भी हमने प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग यूज़ की है। अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो हमने इस पर प्रॉपर ग्रेनाइट का वर्क करवाया हुआ। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट फ्लोर आ चुका है, इसमें भी अगर जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर भी हमने प्रॉपर फॉल सीलिंग का काम करवाया विद वुडन टच। अगर मैं सामने फ्रंट रेलिंग की बात करूं तो ये आपकी टफन ग्लास के साथ स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आ जाएगी। इस साइड आपका थोड़ा सा हमने आयरन का वर्क करवाया हुआ है, एक आपको एलिवेशन के लिए आपका थोड़ा सा और निखर के आता है। ये आपका प्रॉपर बैल्कनी एरिया आ जाएगा, यहाँ पर भी हमने प्रॉपर पॉइंट्स दिए हुए हैं सो दैट कि अगर आपने कुछ यहाँ पर फैन लगाना है या कुछ भी लगाना है तो उसके लिए आपके थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इस साइड अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर एक और हमने वेलकम वॉल बनाई है सेम एज इट इज जैसे नीचे थी। अगर मैं डोर्स की बात करूं तो ऊपर भी हमने बिल्कुल सेम डोर्स लगाए हैं जैसे कि हमारे नीचे थे। अंदर एंटर करते ही अगेन ये हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाएगा। अगर आप फॉल सीलिंग देख सके तो फॉल सीलिंग में यहाँ पर भी हमने वुडन का टच करवाया हुआ है। वॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर हमने रस्टिक वर्क करवाया हुआ है यहाँ पर, और इस साइड हमने आपको एक और एलईडी पैनल यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है ऊपर वाले फ्लोर के लिए। इसके साथ साथ बिल्कुल हमारा एक ओपन मॉड्यूलर किचन आ जाता है। इस साइड आपको आपके प्रॉपर डाइनिंग एरिया के लिए भी स्पेस दी हुई है। अगर मैं ऊपर के किचन की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग में वुडन का वर्क दिया जा रहा है, और प्लस सारे कवर्ड्स बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे नीचे थे। तो आइए दोस्तों हम अब ऊपर वाले फ्लोर के फर्स्ट रूम में चलते हैं। तो रूम में एंटर करते ही आपको सबसे पहले तो वॉल पे एक वॉलपेपर का ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल इसके साथ आपके स्लाइडिंग डोर्स के साथ कवर्ड्स आ जाएंगे। रूफ टॉप तक हम आपको कवर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट कि आपको अपना कुछ एडिशनल लाने की ज़रूरत ना पड़े। इस साइड आपका एलईडी पैनल बनाकर दिया हुआ है। अगर मैं इस रूम की भी बात करूँ तो अगेन आपको फॉल सीलिंग के साथ वुडन का टच दिया जा रहा है। इस साइड हमारा ऊपर के रूम का वॉशरूम अटैच है, साथ में आप देख सकते हैं इसमें भी हमने जो टाइलिंग वर्क किया है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है। आइए अब हम चलते हैं हमारे ऊपर के फ्लोर के दूसरे रूम। ये हमारा ऊपर का दूसरा रूम रहेगा जिसमें इसमें भी आपको प्रॉपर वॉलपेपर का ऑप्शन दिया हुआ है। डाउन सीलिंग में अगर आप देखें तो प्रॉपर वुडन का टच दिया हुआ है, और आपके जो कवर्ड्स हैं और वॉशरूम वो आपको बिल्कुल रूम से बाहर निकाल दिए गए हैं। कवर्ड्स आपके वॉशरूम के साथ अटैच रहेंगे सो दैट कि आपके जो रूम का स्पेस है वो कम ना हो। और इस रूम में भी हम आपको एक प्रॉपर एलईडी पैनल बना के दे रहे हैं। अगर आप विंडो देख सकते हैं तो प्रॉपर एल शेप में विंडो दी हुई है विद आपको ये है कि आपके इसमें वेंटिलेशन भी आपकी प्रॉपर रहेगी। विंडो का कंसेप्ट इस हिसाब से दिया है कि आपका बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा रहे। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा कि ये प्रॉपर हमारा 4 BHK 200 गज में बना हुआ है, इसके साथ ही हम आपको एक पीछे भी बैल्कनी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा पीछे का ओपन टेरेस एरिया आ जाएगा जिसके साथ साथ
आपकी स्टेयर्स हैं जो कि आपको सीधा ऊपर रॉकटॉप तक लेके जा रही हैं, और इस साइड हम आपको एक और अलग से एक वॉशिंग एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि आपका वॉशिंग मशीन और टैप का प्रोविज़न हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा 200 गज का 4BHK ईस्ट फेसिंग हाउस। आई होप कि आपको ये घर काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।